भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी मानते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम छाता आरडी राम ने कोतवाली वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। हम आपको बता दें कि दो दिन पहले गांव आजही में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने पार्षदीय विद्यालय में चुनावी सभा की थी। इस पर जारी किए गए नोटिस के जवाब से असंतुष्ट सहायक निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी माना और रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। इस आदेश पर वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के खिलाफ बिना अनुमति के परिषदीय विद्यालय में चुनावी सभा करने पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की है। प्रशासन ने बुधवार को ही हेमा मालिनी को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस देकर जवाब मांगा था। जो जवाब मिला उससे प्रशासन संतुष्ट नहीं था। सभा के लिए आवेदन करने वाले पंकज शर्मा को भी आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामले में हेमा मालिनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वृंदावन से सौरभ सिसोदिया की रिपोर्ट। समझ लें कि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी चुनाव संबंधी कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। प्राइवेट विद्यालयों में भी यदि कोई विद्यालय के ग्राउंड इत्यादि को उपयोग में लाता है तो उसकी प्रायर परमिशन मैनेजमेंट से और उप जिलाधिकारी की अनुमति से ही कर सकता है। इस कार्यक्रम के बारे में जो आप कह रहे हैं कल तक से संज्ञान में आया था शाम को और संबंधित ERO को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया था कि इसमें तत्काल पूरी तथ्यों की छानबीन करके दोषी के विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई है यदि आवश्यकता है तो उसमें FIR भी दर्ज करें और कार्रवाई करें। ERO ने अवगत कराया है कि वो संबंधित को जिन लोगों ने परमिशन उन्होंने मुझे बताया था कि परमिशन उस गांव में कार्यक्रम की दी गई थी लेकिन विद्यालय में नहीं दी गई है, तो जिन लोगों ने परमिशन गाँव में कार्यक्रम करने का लिया और विद्यालय में किया वो लोग भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और इन सभी संबंधित को जिन्होंने परमिशन लिया उनको कल ही ERO द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस का तुरंत जवाब आते मान विधिक रूप से जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई